द्वापर युग के अवतारी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की धूम पूरे देश में मची हुई है। ऐसे में ताजनगरी आगरा कैसे पीछे रह सकती है। ताजनगरी आगरा में भी जगह जगह कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व को लेकर आयोजन किए गए। जनपद भर के मंदिरों में विशेष तौर पर सजावट की गई। भगवान श्री कृष्ण के लिए मंगल गीत गाए गए। झांकियों ने भी समाधान दिया। मित्र मंडली कमेटी खेरिया मोड़ की ओर से पूजा गारमेंट पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर एक विशाल झांकी का आयोजन किया गया, जहां सुंदर सुंदर झांकियों के माध्यम से कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी और लोग दांतों तले उंगली दबा गए। View 2, View 3, Take 1। दरअसल आपको बताते चलें कि मित्र मंडली कमेटी खेरिया मोड़ की ओर से प्रतिवर्ष कृष्ण जन्म उत्सव के महापर्व पर झांकियों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी बाजार कमेटी के सहयोग से विशाल झांकियों का आयोजन किया गया, जहां आयोजकों का कहना है कि कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व के अवसर पर कमेटी के सहयोग से इस आयोजन को संपन्न कराया गया। श्याम मित्र मंडली की तरफ से आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पे आज हमारे यहाँ ये भगवान कृष्ण जी के श्याम मित्र मंडली की तरफ से एक आयोजन किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्यारे से कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं और हम श्याम जी के बीच में हमने झांकी प्रस्तुत की गई और अमरनाथ जी की भी, और हम आगे भी भविष्य में तरीके से ये उत्साह के साथ हम लोग बना रहे हैं, आगे भी भविष्य में इसको आगे अपना कार्यक्रम को जारी रखेंगे। यही हम लोगों की आशा है और यही हम सभी शुभकामनाएं सभी के साथ। मेरा नाम पवन उपाध्याय और खेरिया मोड़ सब्जी मंडी के पास हमारी मार्केट है और लॉकडाउन के बाद पहली बार हम ये जन्माष्टमी का आयोजन करा रहे हैं। सभी दुकानदारों के सहयोग से हो रहा है, ये सभी मार्केट वालों के सहयोग से हो रहा है और ऊपर वाले का कर्म रहा, सब कुछ सही रहा तो आगे भी ये चलता रहेगा। आपका ये प्रोग्राम किया जा रहा है, बहुत शानदार बताया जा रहा है, लोगों को सब क्या क्या कहना है आपका? लोगों ने सब सही बताया तो सब सही होगा और अभी प्रोग्राम कार्यरत है, ऐसा भी रहेगा सब कुछ सही रहेगा। तो मैं अध्यक्ष, आज ये प्रोग्राम रखा हुआ है, किस पर्पज से रखा गया है और कैसे रहेंगे? ये प्रोग्राम हमारे कमेटी ने पहली बार रखा हुआ है और इसको आगे सफल बनाने की सभी दुकानदार कोशिश करेंगे। यह बताया जाता है कि पहली बार प्रोग्राम रखा हुआ सही है, बहुत बढ़िया धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना आपको? बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है और सभी दुकानदार चाह रहे हैं आगे इसको बढ़ाया जाए। बहुत धूमधाम कृष्ण जन्मोत्सव के महापर्व पर शाम से शुरू हुआ झांकियों का सिलसिला रात 12 बजे तक चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय के बाद भी सभी लोगों ने प्रसाद वितरण और पूजा पाठ भी की। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान की रिपोर्ट।